अगली खबर का हम रुख कर रहे हैं। हरदोई में अवैध खनन का मामला है, लेकिन उससे पहले हम एक और आपको बड़ी खबर बता दें। लखनऊ से ही बड़ी खबर है। आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हुआ है। आगरा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसे की यह खबर है। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। तेज रफ्तार बाइक वहां पर खड़ी कार से टकरा गई। पारा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। पुलिस मौके पर मौजूद है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक कानपुर नगर के निवासी बताए जा रहे हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। आगरा एक्सप्रेसवे पर ये हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा। मृतक कानपुर नगर के निवासी बताए जा रहे हैं। घटनास्थल की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। पारा थाना क्षेत्र की घटना ये बताई जा रही है। पुलिस लगातार मौके पर मौजूद है। आगरा एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। आपको याद होगा यमुना एक्सप्रेसवे पर जो हादसा हुआ था उस पर पूरे देश ने शोक मनाया। इस तरह के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। इस पर लगाम लगाने की जो कोशिशें हैं वो कारगर साबित नहीं हो रही हैं। यहाँ पर तेज रफ्तार बाइक जो है वो खड़ी हुई कार में जाकर टकरा गई और इसी वजह से हादसा हुआ है, ये दर्दनाक हादसा। जो मृतक है वो कानपुर नगर के निवासी बताए जा रहे हैं। पारा थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है। अब मालूम किया जा रहा है कि आखिर क्या वजह रही इस हादसे की, लेकिन बेहद दर्दनाक है जो कुछ भी वहां पर घटा है। हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है, लेकिन दो लोगों को बचाया नहीं जा सका। मौके पर ही उन्होंने अपनी जान गंवा दी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन अहम बात यह है कि आखिर यह हादसा किसकी गलती से हुआ। क्या गति के ज़्यादा होने की वजह से यह हादसा हुआ या फिर कोई और वजह रही, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि कार वहाँ पर खड़ी थी। आखिर एक्सप्रेसवे पर कार क्यों खड़ी थी और उधर से आती हुई बाइक जो है वो कार से जा टकराई। क्या गलत तरीके से कार खड़ी थी और अगर ऐसा था तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ये तमाम बातें हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन के तहत लाया जाएगा, लेकिन फिलहाल दो लोगों की इसमें दर्दनाक मौत हो गई है। ये दुखद खबर आ रही है। आगरा एक्सप्रेसवे पर फिर से एक बार ये हादसा। हादसे की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। कानपुर नगर के निवासी बताए जा रहे हैं मृतक। रामराज जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। रामराज, अभी तक क्या अपडेट मिली है इस हादसे को लेकर? जी, आपको जहां तक बता दें कि आगरा एक्सप्रेसवे का मामला है, जहां पर एक इनोवा गाड़ी जो राजस्थान से बिहार जा रही थी वो लखनऊ आने से पहले वहीं रास्ते में रुक गए। रुकने के बाद देखा कि पीछे से एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर दो लोग सवार आ रहे थे जो बिना हेलमेट के थे, और पीछे से उनकी गाड़ी में टक्कर लग गई जिससे वो वहीं पर गिर गए, जिससे कि दबने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और सूचना पर जब पुलिस पहुंची है, पुलिस ने दोनों की पड़ताल करी है तो कानपुर नगर के निवासी बताए जा रहे हैं और इनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई, साथ में इनके शव को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जी, जो चश्मदीद है हादसे के वो क्या कुछ अलग इन्फॉर्मेशन बता पा रहे हैं? क्या उनसे बात हो पाई है? इस समय वो घटना हुई थी वहां पर, उस गाड़ी में जो है जो इनोवा गाड़ी है उसमें पुजारी सवार थे, इनका व्रत था, उनको जाना था बिहार में, कोई पूजा उनकी होनी थी उसको लेकर वो भी कह रहे थे कि हमारी पूजा भी इस एक्सीडेंट से खंडित हो गई और थोड़ा सदमे में भी हो गए थे कि उनकी गाड़ी के पीछे टक्कर लगी है। तो वो अचानक दोनों अचेत हो गए, पुलिस ने उनको भेज दिया आनंद फानंद में, तब जब ट्रामा सेंटर पहुंचे तो वहां मृत उनको बताया गया है। जी, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।